नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ चूना खान। हमारी आज जो है ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग होगी, जिससे हम वाइल्ड लाइफ पे अच्छे से नज़र रख सकें। ठीक है, चलो जब चलते हैं चूना खान। पहुँच गया हूँ चूना खान। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है ड्रोन की ट्रेनिंग। दिखाता हूँ, यह है चूना खान इको टूरिज्म, यह है गेस्ट हाउस। ये है गेस्ट हाउस। आपके जंगल की कैसी इकोलॉजिकल है, कहाँ पर पेड़ सूख गए, कहाँ पर ग्रीनरी है, कहाँ पर क्या है, तो उसके लिए भी आप आसानी से देते, मतलब एक बर्ड आई से देख सकते हो। वैसे है, टी ब्रेक चल रहा था इसलिए हम थोड़ा रुक गए। अब फिर से क्लास चलेगी, उसके बाद प्रैक्टिकली हम ड्रोन को उड़ाएंगे। ये हमारे पटवाल साहब हैं। पटवाल जी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, कुछ क्या कहना, आपने बता ही लिया है बाकी। अब मैं दिखाता हूँ चूना खान में जो ये बने हुए हैं, इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। देखो, डियर के बारे में, ये है 50 से अधिक प्रजातियाँ हैं। ये टाइगर के बारे में, और ये बंदर क्या करें क्या ना करें, और ये एलिफेंट, वह पेंथ्रा पार्डस यानी लेपर्ड, और ये वर्ल्ड के बारे में। इधर है छात्रावास कैंपस, जो ट्रेनिंग होते हैं वहाँ कभी जब ट्रेनिंग वाले बॉयज आते हैं तो यहाँ रहते हैं। इधर साइड ये बैटरी का मैसेज आ गया। आज की जो ड्रोन ट्रेनिंग थी वो हुई कंप्लीट, और बीच में आपको दिखा नहीं पाया। तो आज जो है ड्रोन की जो ट्रेनिंग हुई हमारी, वो होगी हमारी कंप्लीट। तो उस पर हमको जो बताया, मतलब ड्रोन्स के टाइप वेटेज के हिसाब से होता, और जो उसके जोन जो उड़ाने वाले होते हैं, और फॉरेस्ट में उसका क्या यूजेस है वो बताया। यह है चूना खान का कैंपस। ये देखो, पीछे दरोगा जी हैं, और ये डॉर्बी जी हैं, और ये हैं प्रेम भाई। चूना खान का कैंपस दिखाता हूँ। वैसे बहुत बड़ा है, फिर भी थोड़ा बहुत दिखा लेता हूँ। ये देखो, ये दीवारों में बहुत अच्छा टेक्सचर रखा है, जितने भी वाइल्ड एनिमल है। अभी काम चल रहा है इसमें, तो हम जाएंगे ऑडिटोरियम है ना, ये है। हाँ, संग्रहालय है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको संग्रहालय म्यूजियम। ये पत्थर में क्या कर रखा है? ये पोसेस हैं, ये हैं जीवाश्म। अच्छा, चूना खान नाला है। हाँ, वहाँ का है। ठीक ठीक, आपने देखा होगा, ये जो पत्थर है अलग प्रकार का है जी सर। ये पत्थर है, देखो इसकी बनावट देखो अलग है। हाँ, ये नाला है, लद्दुआगाड़ वाला नाला है, इसमें ऐसे ही जीवाश्म के पत्थर आते हैं। ओ, तो डॉर्बी जी अभी और चीज दिखा रहे हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन सेंटर है ये हमारा। हाँ, चलो हमारा ड्रोन नीचे रख दिया है, अब हम अंदर जा रहे हैं। ये है चूना खान का संग्रहालय। लाइट नहीं है? अच्छा, वाह। जरा इसके बारे में, ये है इधर। हाँ, इधर से शुरू हो गई। इसका पूरा जो मैप है, हाँ, ये हमारा पौरगढ़, यहाँ पर है इस टाइम हम। हाँ, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड ये ना। हाँ जी सर, यहाँ पर है, तो ये हमारा चूना खान है। चूना खान से जो है, ये जो विलेज है यहाँ पर चूना खान विलेज, जिसे मदन मिल विलेज भी कहते हैं, ये बाराती रॉ रामगढ़ डिवीजन का। और ये जो सब पौरगढ़ कंजर्वेशन का ये जो क्षेत्र है, ये हमारा बेलपड़ा रेंज का है, मनगंडपुर का ये जो क्षेत्र है, और ये पूरा टूरिज्म का ही इलाका है। मतलब ये जो पूरा इंडिकेट कर रहा है, अपनी बेलपड़ा रेंज को ही कर रहा है। ना ना, ये रामनगर डिवीजन का है, ये जो टूरिज्म, जहाँ पर टूरिज्म होता है, मतलब जहाँ पर सफारी होती है जिप्सी द्वारा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पौरगढ़ एफआरएस है ऊपर, तो ये इससे नीचे बेलपड़ा रेंज है। तो पौनगढ़ जो आधा जो ग्राम है वो जो रामनगर डिवीजन में आता है, आधा जो नीचे तराई वेस्ट में आता है, तराई पश्चिम में। तो आगे दिखाइए सर, थोड़ा उसी का मैपिंग है। और ये देखिए, जो जिसका नाम है इको टूरिज्म सेंटर, तो यही बा होगा। तो ये देखिए, ये इको टूरिज्म, ये वो है, एक रस्सी है, रस्सी से ही जूता बनाया गया है।
ठीक जो इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है कि इको टूरिज्म में लकड़ी और से संबंधित, और ये देखिए ये टेबल बनी हुई है, मतलब पूरा जो यूज किया गया वो वुड, ये पूरा वुड का है, वुड का है, बांस से बना हुआ है। ठीक ठीक है ना जी सर। और ये पूरे इसमें इधर सीनरी वगैरह लगी है, ये देख सकते हैं आप, ये है आम जनता के लिए भी खुला हुआ है ना, कोई आता है तो देख सकता है। ये उत्तराखंड के दर्शनीय जो पौधे हैं और क्षेत्र है उनको इंडिकेट किया है, छोटी हल्द्वानी का हुआ है, ये पूरे ये है छोटी हल्द्वानी, उत्तराखंड इको टूरिज्म पूरा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, है ना। और कुछ विशेष है इसमें? विशेष यही है कि ये एक धरोहर है जो इसको इको टूरिज्म, क्योंकि इसको सही रखने के लिए भी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है इसमें बहुत ज्यादा, और क्योंकि लकड़ी का है और लकड़ी को उसको दीमक से बचाने के लिए और अन्य उससे कीट उससे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता। मैं जा रहा हूँ डॉर्बी जी के आवास पे, अब हमने देख लिया है ये इंटरप्रिटेशन सेंटर, और क्या दिखाओगे डॉर्बी जी? पुरानी बस है देख। तो आज का जो हमने ड्रोन की ट्रेनिंग की थी वो कम्प्लीट होगी, मैंने दो ड्रोन उड़ाए, एक था DJI का, मॉडल नंबर पता नहीं लेकिन तो 3.5 लाख का था, और कंप्लीट हो गया उसमें, हमने हमें जो फॉरेस्ट में जो यूजेस होते हैं ड्रोन के वो बताए गए, तो काफ़ी अच्छा था। और मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, ओके बाय बाय।